हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिलिंद पालके और आप देख रहे हैं पालकेज एकेडमी, फाउंडेशन फॉर अ बेटर फ्यूचर, इजीएस्ट वे टू लर्न मैथ्स। नाउ आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ व्हाट इज एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर? इतना तो ध्यान में रखिए कि कॉम्प्लेक्स नाम है, दैट मीन्स वो कॉम्प्लेक्स ही होगा। सो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, वो कैसे फाउंड हुआ, किस तरह से उसका सॉल्यूशन होता है, डेफिनेशन क्या है, तो आज हम इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात करेंगे। नाउ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि नंबर सिस्टम क्या है। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहला नंबर आता है अपना, दैट इज नेचुरल नंबर। सो नंबर सिस्टम का पहला नंबर होता है दैट इज नेचुरल नंबर। वो नेचुरल नंबर क्या होता है, तो हम लोग काउंटिंग करते हैं फ्रॉम वन, सो वन टू थ्री डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी का साइन है। नेचुरल नंबर के बाद हमें क्या मिला, तो हमें मिला होल नंबर। होल नंबर मतलब क्या, तो इसमें नेचुरल नंबर में एक और चीज़ ऐड होगी, दैट इज़ ज़ीरो। तो ये हो गया ज़ीरो वन टू थ्री अप टू इन्फिनिटी। अब इसके बाद हमें ये मालूम हुआ कि कुछ नंबर्स प्लस में भी होते हैं और कुछ माइनस में भी होते हैं, दैट मीन्स नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव वैल्यू भी होती है, तो वो आ जाते हैं इंटीजर्स में, वो आ जाते हैं इंटीजर्स में। इंटीजर्स होते हैं ज़ीरो से पॉजिटिव में इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी, और पीछे साइड में माइनस में कॉमा माइनस टू एंड माइनस इन्फिनिटी। दैट मीन्स ये नंबर होते हैं माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो, ज़ीरो टू इन्फिनिटी, ठीक है, दैट इज इंटीजर्स। अब इंटीजर्स के बाद हमारे पास नंबर आते हैं, दैट इज रैशनल नंबर। अब व्हाट इज रैशनल नंबर? रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं, ये दो नंबरों का डिवाइजर होता है, दो नंबर का डिवीजन होता है, वो दोनों नंबर का जी सी डी, इसका मीनिंग होता है, ओपन ब्रैकेट का मीनिंग होता है जी सी डी ऑफ दैट बोथ नंबर इज वन। इसका मतलब होगा कि ऐसे नंबर का डिवीजन जहाँ पे दोनों में कॉमन सिर्फ और सिर्फ वन होगा। लाइक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं कुछ लिखूँ तो 3/5, 7/4 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसमें नॉन ऑकरिंग ऑकरिंग भी सिस्टम आते हैं, वो हम लोग नहीं जा रहे, उसमें हम लोग नहीं जाएंगे। मैं सिर्फ तो आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि वो क्या होता है। देन इरेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो कि नॉन ऑकरिंग स्टेट में ज़्यादा रहते हैं, ऑकरिंग रिपीटिंग स्टेट में ज़्यादा रहते हैं। तो ऐसे नंबर जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, लाइक रूट थ्री, रूट टू, रूट फाइव, etc, या तो कांस्टेंट हो गए जैसे ई हो गया, पाई हो गया, ऐसे नंबर इरेशनल में आते हैं, ऐसे नंबर इरेशनल में आते हैं। उसके बाद आता है मेरा रियल नंबर। रियल नंबर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल प्लस इरेशनल। इसका नाम होता है रैशनल और इसका नाम है दैट इज इरेशनल, ठीक है, रैशनल और इरेशनल। और रियल नंबर जो होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल इरेशनल रहता है, प्लस नेचुरल भी नंबर, प्लस होल भी होते हैं, प्लस इंटीजर्स भी होते हैं। ये होता है रियल नंबर, ये होता है रियल नंबर।
समझ में आया नंबर सिस्टम? ओके, अब मान लो कि ये सारे जो नंबर्स हैं, ये सारे जो नंबर्स हैं लाइक नेचुरल होल जेड, मतलब इंटीजर्स, रैशनल इरैशनल्स, ये सपोज चाइल्ड है, ये सपोज चाइल्ड है, तो ये जो मेरा आर है, ये मेरा आर क्या है? फादर है। ये मेरा आर क्या है? फादर है। दैट मीन्स आर सबसे बड़ा है और उसके छोटे छोटे कंपोनेंट, छोटे छोटे पार्ट क्या है? तो वो चाइल्ड है। दैट इज नंबर सिस्टम के नेचुरल होल जेड, रैशनल और इरैशनल है, ठीक है। अब इन सब का, इन सब का मतलब चाइल्ड और फादर का फादर, दैट मीन्स ग्रैंडफादर जो नंबर है, ग्रैंडफादर जो नंबर है, वो है मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर, वो है मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ में आया? समझ में आया क्या? तो सारे नंबरों का बाप, इट मीन्स सबसे बड़ा नंबर, इस दुनिया का सबसे बड़ा नंबर, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे बड़ा है, दैट मीन्स आर इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रैशनल इरैशनल इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, नेचुरल होल जेड इज अ सबसेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो व्हाट इज एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर? तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज सो व्हाट इज एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर इज रियल प्लस इमेजिनरी नंबर, इट इज रियल प्लस इमेजिनरी नंबर। नाउ व्हाट इज इमेजिनरी नंबर? एक्चुअली व्हाट इज इमेजिनरी नंबर देखना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन मैं बता दूं कॉम्प्लेक्स नंबर की। डेफिनेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर की, द नंबर ऑफ द फॉर्म z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, वेर a b belongs to real number and I stand for under root of minus 1. Now this I means imaginary number. So c is always in the form of a plus ib. So this imaginary number, I imaginary number, कैसे आया, कहाँ से आया, अब वो देखेंगे हम, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन सिंपल है और इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल जेड, ठीक है। समझ में कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन? कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन इज रियल प्लस इमेजिनरी, दैट मीन्स जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी का फॉर्म, वेर ए बी बिलोंग्स टू आर। बिलोंग्स टू आर का मतलब है कि वो आर के फैमिली में रहेगा, मतलब वो नंबर्स रियल नंबर रहेंगे, एंड आई स्टैंड फॉर अंडर रूट ऑफ माइनस वन। नाउ व्हाट इज आई मीन्स नाउ डेफिनेशन में हम लोगों ने देखा कि जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी है, वेयर आई स्टैंड फॉर इमेजिनरी नंबर एंड आई की वैल्यू है I is equal to under root of minus 1, ठीक है। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ये आया कहाँ से? सीधा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, इस जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाट इज आई मीन? ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू सी, व्हाट इज आई मीन? आई किसके लिए लिखा जाता है और व्हाई आई ही लिखा जाता है?
सो आई मीन्स फॉर इमेजिनरी, ये नंबर कहाँ से आया है, तो इमेजिनेशन से आया है। ये नंबर किस तरह आया है वही देखना है अभी हमें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सपोज एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये मेरा जनरल फॉर्म है। ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो पहला मेरा क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है तो चेक कर लो बच्चे लोग थोड़ी देर के लिए। सो यस यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सबसे बेस्ट है, ऊपर ये टू है, इट मीन्स कि उसका डिग्री टू है, तो डिग्री टू है तो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो अगर मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो क्या मिलेगा मुझे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, ये प्लस वन यहाँ पे शिफ्ट होगा तो माइनस वन हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू मेरा क्या आ गया, माइनस वन आ गया। नाउ एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस वन, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस वन। नाउ एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस वन आ गया, बट यहाँ पे आते ही हमारा रियल नंबर दम तोड़ देता है क्योंकि हमको पता है रियल नंबर का स्क्वायर रूट इज ऑलवेज रियल नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ रियल नंबर इज ऑलवेज रियल नंबर। सो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस वन ये क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं होगा। इवन दो टेंथ के प्रॉब्लम में हम लोग क्या करते थे कि जब कभी इस तरह का रूट माइनस वन या रूट में कोई माइनस नंबर आता था तो उसको हम लोग कैंसिल करके बोल देते थे कि इट इज़ नॉट अ पॉसिबल, क्यों, क्योंकि वो रियल नंबर नहीं है। तो रियल नंबर नहीं है तो यहाँ पे ही हमारे एक मैथमेटिशियन, स्विस मैथमेटिशियन है, उनका नाम है लियोनार्ड ऑयलर, उनका नाम है लियोनार्ड ऑयलर, उन्होंने वो भी यहाँ पे आके स्टक हो गए, यहाँ पे आके अटक गए। तो उन्होंने सोचा अगर इस नंबर को अगर मैंने कुछ नाम दे दिया या इस नंबर को मैंने एक नोटेशन बना लिया तो मेरा बहुत सारा प्रॉब्लम हल हो जाएगा। और सही बात है, जब इस प्रॉब्लम को या इस नंबर को उन्होंने एक नाम दे दिया उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर दुनिया में आया, और कॉम्प्लेक्स नंबर आते ही कॉम्प्लेक्स एनालिसिस करके एक मैथमेटिक्स का एक अच्छा सा सब्जेक्ट आ गया जिसके ऊपर डिपेंड ऑन बहुत सारे इंजीनियरिंग लेवल के काम हुए। तो ये नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो लियोनार्ड ऑयलर साहब ने, इस मैथमेटिशियन साहब ने इसको एक नाम दे दिया, वो नाम जो था अपनी इमेजिनेशन से था। तो उन्होंने इस एक्स को उन्होंने क्या कर दिया, एक्स इक्वल टू जो मेरा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस वन था उसको एक नाम दे दिया, दैट इज़ आई। तो उस हिसाब से मेरे आई की वैल्यू बन गई है अंडर रूट ऑफ माइनस वन। और आई मीन्स ही इसका नाम है, आई स्टैंड फॉर इमेजिनरी नंबर, बट अगर इसका नाम जानना है तो इसका नाम है आई ओ टा, दैट इज आई ओ टा। सो अभी आपको समझ में आया व्हाट इज आई, तो आई इज नथिंग बट इमेजिनरी नंबर जिसकी वैल्यू है अंडर रूट ऑफ माइनस वन, जिसकी वैल्यू है अंडर रूट ऑफ माइनस वन। समझ में आया, ओके। इस तरह से हमें आई के बारे में मालूम हो गया,
आई क्या होता है तो अंडर रूट ऑफ माइनस वन होता है, जेड क्या होता है तो ए प्लस आई बी का फॉर्म होता है, जेड प्लस जेड क्या होता है जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी का फॉर्म होता है, जेड मतलब ही कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, स्मॉल जेड हमेशा डिनोटेड करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। सो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि अगर नेचुरल नंबर हमारा एक सेट है तो होल नंबर उसके ऊपर में है, दैट मीन्स एन इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर, उसके बाद हम लोगों ने जेड ले लिया, जेड के सबसेट में आ गया नेचुरल होल नंबर, उसके बाद हम लोग बोल सकते कि रैशनल्स है, तो ये रैशनल बन गए हमारे, रैशनल के बाद हो गया ये इरैशनल, ये इरैशनल भी बन गया, इरैशनल के बाद हो गया हमारा रियल नंबर। तो इस रियल नंबर को बनाने के लिए ये हो गया सपोज हमारा रियल नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है हमारा, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है हमारा, ये है यूनिवर्सल सेट, ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, इसको हम लोग आर को सुपर सेट बोल सकते हैं, और ये सब क्या हो गए उसके सारे सारे सबसेट हो गए। समझ में आया, ये है तुम्हारा वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर सिस्टम। सो नेक्स्ट टॉपिक इज आई का साइकिल ऑफ फोर। नाउ व्हाट इज मीन दैट, आई नंबर का साइकिल ऑफ ऑर्डर फोर। अब ये क्या है, सो आई जो नंबर है अपनी वैल्यू फोर्थ पावर के बाद रिपीट करता है, आई रिपीट्स इट्स वैल्यू आफ्टर फोर्थ पावर, दैट मीन्स आई की फर्स्ट पावर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ माइनस वन, देन आई स्क्वायर, आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, आई इंटू आई, दैट मीन्स अंडर रूट ऑफ माइनस वन इंटू अंडर रूट ऑफ माइनस वन, अंडर रूट गेट कैंसल्ड तो मुझे मिलेगा माइनस वन, ओके मुझे मिलेगा माइनस वन, और इट इज अ स्क्वायर ऑफ अंडर रूट ऑफ माइनस वन, दैट मीन्स स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, मुझे मिलेगा अंडर रूट ऑफ, सॉरी मुझे मिलेगा माइनस वन। नाउ आई का क्यूब इज आई इंटू आई इंटू आई थ्री टाइम, सो दो टाइम का तो अपन ने देख लिया क्या होने वाला है, आई इंटू दो टाइम का करेंगे तो माइनस वन होता है, तो ये माइनस वन इंटू आई क्या हो जाएगा, माइनस आई हो जाएगा, ओके। अब आई की जब मैं फोर्थ पावर लूँगा, आई की जब मैं फोर्थ पावर लूँगा तो मैं क्या करूँगा, आई इंटू आई इंटू आई इंटू आई कितनी बार करूँगा, चार बार करूँगा, तो मुझे क्या मिलेगा, देखो आई इंटू आई दो बार ही किया तो माइनस वन, फिर यहाँ पे दो बार किया तो माइनस वन, और माइनस वन इंटू माइनस वन हो जाएगा प्लस वन। सी आई, आई का स्क्वायर, आई का क्यूब, आई का फोर की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है अभी। अब मैं जाता हूँ आई रेस टू फाइव की ओर, दैट मीन्स आई का फिफ्थ पावर, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आई का फोर पावर और आई का वन पावर, यस बाय इंडाइसेस के रूल के हिसाब से घातांकों के नियमों के अनुसार हम लोग इसको ज्वाइंट कर सकते हैं, फोर और ये वन, यहाँ पे जो दिखाई नहीं देता है वो वन, टोटल मिला के पाँच हो गए, सो आई रेस टू फोर वन हो जाता है, और ये जो है वन इंटू आई दैट इज आई बन जाता है। तो देखो फोर्थ पावर के बाद फिर से मुझे आई ही मिल रहा है, ठीक है। अब अगर आई सिक्स की कोई बात करेगा तो आई सिक्स क्या होगा, आई फोर
इंटू आई टू विच इज इक्वल टू आई फोर, कितना होता है बच्चे लोग, आई फोर होता है मेरा वन, सो ये वन इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा, वन इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर होता है माइनस वन। देखिए ये आई स्क्वायर की वैल्यू है, वही आई सिक्स की वैल्यू है। इसका मतलब कि फोर्थ पावर के बाद वो ऑटोमेटिकली अपने आप को रिपीट करेगा, अपने आप को रिपीट करेगा, दैट मीन्स आई सेवन की वैल्यू इज इक्वल टू आई थ्री की वैल्यू, दैट मीन्स हो गया मेरा ये माइनस आई। ये आपको ट्राई करके देख लो, आई फोर की वैल्यू हो जाएगी दैट इज आई एट की वैल्यू विच इज वन। तो इस तरह से फोर के टेबल में आओगे, फोर एट फिर ट्वेल्व सिक्सटीन, उन सब की वैल्यू क्या आएगी वन। उस तरह से थ्री सेवन इलेवन की वैल्यू आ जाएगी माइनस आई, टू फिर ऐड करो फोर तो सिक्स हो गया, सिक्स में फोर करो ऐड तो टेन हो गया, उसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस वन, और आई फिर फाइव फिर नाइन, ऐसे फोर ऐड करते जाओगे तो मिलेगा आपको आई। तो ये है आई इज अ साइकिल ऑफ लेंथ फोर। इस तरह से आई की बहुत सारी वैल्यूज अपन निकाल सकते हैं, लेकिन आपका हाईलाइट पॉइंट है, आपका हाईलाइट पॉइंट ये है कि आपको ये वैल्यूज आई रेस टू फोर दैट इज वन होता है, आई का स्क्वायर दैट इज माइनस वन होता है, आई इज अंडर रूट ऑफ माइनस वन जो कि लिखते नहीं है, आई क्यूब होता है माइनस आई, ये याद होना चाहिए। बस इतना भी याद रखोगे तो बाकी के नंबर मैं आपको बनाना सिखा दूंगा। तो इस तरह से हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक देख लिया है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, तो वो एक ए प्लस आई बी के फॉर्म का नंबर है जिसका फर्स्ट पार्ट इज रियल है और सेकेंड पार्ट इज इमेजिनरी है। सेकेंड पार्ट इज इमेजिनरी है, इमेजिनरी इसलिए है क्योंकि उसके पास आई है और आई की वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ माइनस वन, ठीक है। और फिर आई की वैल्यू क्या क्या होगी, क्या क्या हो सकती है वो हमने देखा। इस तरह से बेसिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट होता है। आगे जाके हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जेड की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अलजेब्रा देखेंगे और कॉम्प्लेक्स का कॉन्जुगेट देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए प्लीज़ मेरा अगर चैनल या मेरा वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वहाँ पे जो बेल आइकन है उसको दबाइए ताकि आपको नए नए वीडियोस का अपडेट मिलते रहे। प्लीज़ प्लीज़ शेयर करें और कमेंट भी करें, अगर आपको किसी चीज़ में प्रॉब्लम हो तो आप बिंदास पूछ सकते हो, ठीक है। धन्यवाद।